हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रेरणा। तो बड़ा सा किचन, मॉड्यूलर किचन बनाने का सपना हम सबका होता है और हम ज़िंदगी भर ये प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं एक सुंदर सा बड़ा सा मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए। तो हमने भी जब घर हमने बनाया था तो हमने प्रॉपर बैठ के प्लानिंग की और हमने ये ओपन किचन बनाया जो कि एल शेप का है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बाहर से देखने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन जब हमने इसका यूज़ करना शुरू किया, जब हमने यहाँ अपना प्रिपरेशन, अपने कुकिंग, क्लीनिंग करना शुरू किया, तब मुझे इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक नज़र आई। यानी कि मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हुआ अपना वर्क करने के लिए। तो वही सारे मिस्टेक जो हमने की, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट मिस्टेक हमारा ये है कि जो डिस्टेंस है स्टोव का और सिंक का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कायदे से मेरा जो स्टोव है वो यहाँ पे होना चाहिए था सिंक वाले लाइन में, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो गया है। तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे वहाँ पे वॉश करना होता है, उसके बाद यहाँ पे ला के मुझे उसे कुकिंग करना होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब मैं चावल को बॉईल करती हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ लाके पानी को निथारना होता है। तो ऐसा होता है कि जब हम कुछ गर्म चीज़ें लेके आते हैं तो ये डर होता है कि बच्चे अचानक से आ जाए ना आ जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट मिस्टेक। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि सिंक और स्टोव का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ, जैसे यहाँ पर सिंक है तो यहाँ हम कटिंग करें और यहाँ पर हम कुकिंग करें, इतना कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। एक ही लाइन में स्टोव और सिंक होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हमने मिस्टेक करी है वो ये है कि जैसे कि आप देखते हो कोई भी मॉड्यूलर किचन में इस तरह का पुल आउट ड्रॉअर होता है और उसमें कुछ ट्रेस बने होते हैं जिनमें हम अपनी ऑयल बॉटल्स या स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसी रैंडम चीज़ें रखी हुई हूँ। मैंने एक्चुअली बनाया था इसलिए ही कि स्पाइसेस और ऑयल बॉटल्स वगैरह सब यहाँ पे अरेंज रहे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब हम कुकिंग करते हैं तो सारी चीज़ें हैंड टू हैंड होना चाहिए ताकि कुकिंग हमारी इजी हो, लेकिन मेरा जो ट्रॉली है जो स्पाइस के लिए मैंने बनाया था वो थोड़ा सा डिस्टेंस में है। अगर हमें अगर स्पाइसेस पास में चाहिए और हम ड्रॉअर में रखना चाहते हैं तो कम से कम इस साइड या इस साइड होना चाहिए ताकि हमें कन्वीनियंट हो कुकिंग वगैरह में। अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक ऑर्गेनाइज़र लेना पड़ा। यहाँ पे मैं अपनी सारी स्पाइसेस रखती हूँ 3 टायर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके। तो आप जब भी बनाएं अपना किचन, ये बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्पाइसेस ड्रॉअर में, पुल आउट ड्रॉअर में रखना चाहते हैं तो अपने स्टोव के पास में बनाएं। नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अलग से एक यूनिट बनाना हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रखने के लिए। वो हमने नहीं किया उस समय, हमें इतना सोचा नहीं हमने कि ऐसा बनाना चाहिए और हमें काउंटर में काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। तो हमारा पूरा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मिक्सी और माइक्रो ओवन, सब हमारा यहाँ पे काउंटर्स में रहता है। अगर हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अलग से यूनिट बनाया होता तो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता। तो आप ज़रूर से ये ख्याल रखें कि एक अलग सा एक यूनिट ज़रूर बनाएं जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अच्छे से एक ही जगह में रख पाएँ और उन्हें यूज़ करना आपके लिए ईजी हो। अब आप लोग ये यूनिट देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसको क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जगह बना दी यहाँ पे। वो कारण ये है कि हमारा जो इसमें शेल्फ़ दिया हुआ है, इसके बीच में जो ब्रॉडनेस है वो कम है, तो यहाँ पे कोई भी अप्लायंसेस ईजिली नहीं आएगा। सिर्फ मिक्सी आती है यहाँ पर, बाकी और कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने एक्चुअली ये जो यूनिट बनाया था पेंट्री के लिए ही हमने इसे बनाया था, लेकिन हमारी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं तो इतना बड़ा यूनिट की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो वो एक कैबिनेट में इजीली हमारा पेंट्री का सारा चीज़ें आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्रॉकरी यूनिट ही बना लिया है। लेकिन आप जब भी पेंट्री के लिए एक यूनिट बनाएं तो डोर का भी यूटिलाइज़ आप लोग ज़रूर कीजिए ताकि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल पाए। डोर में कुछ और आप रैक लगा लीजिए ताकि आप और भी पेंट्री के चीज़ें आप रख पाए। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर में पूरा खाली स्पेस है,
अगर हम चाहते तो एक और लाइन हमारी कैबिनेट्स की बना सकते थे हम, और मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाता। अब क्या अगर कुछ मुझे रखना है तो मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि वो पूरा डस्ट से ख़राब होने का डर होता है। कुछ चीज़ें मैंने फिर भी रखी हुई है वहाँ पे, लेकिन अगर मेरे पास स्टोरेज और एक्स्ट्रा होता है, बड़े बड़े कैबिनेट्स होते हैं, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा कढ़ाई या एक्स्ट्रा बड़े बड़े यूटेंसिल्स होंगे उनको मैं रख सकती थी। तो आप अपने किचन का स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, कैबिनेट्स अच्छे से बनाइए, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो, क्योंकि किचन कितना भी बड़ा हो स्टोरेज का प्रॉब्लम हमेशा ही बना रहता है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि ऊपर के वॉल तक आप पूरा कैबिनेट से कवर कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मिस करती हूँ अपने किचन में, वो है एक डिशवॉशर का प्लेस। अगर आपके पास डिशवॉशर है या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप डिशवॉशर लेंगे, तो आप अपने किचन में ज़रूर से एक डिशवॉशर के लिए एक स्पेस रखिए, या उसे पहले से इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा। अब मुझे डिफ़िकल्टी ये होती है, मेरे किचन में डिशवॉशर नहीं रखने की जगह है, तो यूटिलिटी एरिया हमारा जस्ट साइड में है, तो वहीं पे मेरी वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे टाइम और एनर्जी एक्स्ट्रा देना होता है, क्योंकि यहाँ सारे किचन मेरे निकलते हैं, सारे बर्तन मेरे निकलते हैं गंदे, और इनको ले जाके मुझे पीछे डालना पड़ता है डिशवॉशर में, और फिर जब डिशवॉशर से यूटेंसिल्स क्लीन हो जाते हैं फिर वापस वहाँ से लेके यहाँ लाके जमाना पड़ता है। तो देखिए, टाइम और एनर्जी दोनों देना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनाएं, डिशवॉशर की आपकी प्लानिंग है या आपके पास है, तो पहले से ही आप एक जगह स्पेस आप सोच के रखिए कि इस जगह में आपको डिशवॉशर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। या तो आप शिफ्ट होने के पहले ज़रूर से वहाँ पे, जब आपका मॉड्यूलर किचन बन रहा हो, तो उसी टाइम आप डिशवॉशर को वहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट एक और है बात जो मैं बहुत मिस करती हूँ अपने किचन में, वो है ओपन शेल्फ। जैसे कि आप देख सकते हो कहीं भी ओपन शेल्फ नहीं है। जब आपको किचन को डेकोरेट करना हो तो ये ओपन शेल्फ काफ़ी हेल्प करते हैं। हम उसमें अपनी क्रॉकरीज या प्लांट्स या आर्टिफिशियल प्लांट्स रख के हम अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं, तो वो मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो आप भी जब अगर प्लानिंग कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन की, तो एक ओपन शेल्फ ज़रूर रखिए छोटा सा, ताकि आप अपने ब्यूटीफुल क्रॉकरीज या कप के साथ अपने किचन को डेकोरेट कर पाएँ। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी किचन के लिए, वो है प्रॉपर लाइट्स। जब हमने ये किचन बनाया था, मेरे पास सिर्फ एक ही एक लाइट थी, एक बल्ब था। ये वाला ट्यूब लाइट मैंने बाद में लगवाया, तो आप अभी भी देख रहे होंगे मेरा कैमरा जो है ठीक से कवर नहीं कर पा रहा है। लाइट की कमी आपको लग रही होगी किचन पे, तो यस, लाइट की कमी है, मुझे एक और कुछ और अरेंजमेंट करना होगा लाइट का, क्योंकि प्रॉपर लाइट होना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ कुकिंग। जब हम कुकिंग करते हैं उसके ऊपर अच्छे से लाइट हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइटिंग। तो प्रॉपर लाइट हमारे किचन में ज़रूर होनी चाहिए। सो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि कुछ मिस्टेक जो हमने किए एट द टाइम ऑफ मेकिंग मॉड्यूलर किचन। तो मैंने आप लोगों के साथ जस्ट ऐसे ही शेयर किया कि आप लोग भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए, तो आप लोग के साथ ये सारी मिस्टेक, ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आगे जाके बहुत मायने रखती है। तो आप अपने किचन को का स्पेस जो है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, स्पेस को कुछ भी वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि आपको अभी लगेगा कि अरे इतना बड़ा हमारा किचन है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको वही इतना बड़ा किचन भी छोटा लगने लगेगा। तो जितना हो सके आप अपने किचन का स्पेस को यूटिलाइज़ कीजिए। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको, अगर आपने प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में मॉड्यूलर किचन बनाने की। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं आप लोग के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस लेके आते रहूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।